जो भी काम है अच्छा सराहनीय वर्क है। उचार तो जैसा है स्थिर है, प्रदेश का परिवर्तन। भाजपा सरकार में केवल दावा ही मेन होता है, काम कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और दल सभी दलों में चुनावी जनसभा को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। अब जानते हैं हम यहाँ पर आए हुए हैं ऊंचा हर विधानसभा के चौराहे पर, जहाँ पर जानते हैं जनता से क्या है राय, अब की विधायक के रूप में किसे देखना चाह रही है और कौन होगा इस बार का ऊंचा हर विधानसभा से विधायक और विकास के किन मुद्दों पर जनता देगी वोट। आप इस बार वर्तमान विधायक ने कुछ काम कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। वर्तमान विधायक क्या संतुष्ट क्षेत्र में काम क्यों विकास हुआ बहुत लाइफ अब ऐसा देखिए युवा हैं जो भी हैं अच्छे हैं, काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। उम्मीद करते हैं शायद इस बार फिर उनको चांस है, जीत भी सकते हैं। वर्क सराहनीय है, जब भी मौजूदा 10 साल से वो विधायक, क्या अब इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में मनोज पांडे जो है अब देखते हैं यहाँ राउंड लगाते हैं, देखते हैं वर्क कर रहे हैं, तो जो भी काम है अच्छा सराहनीय वर्क है। उम्मीद करते हैं शायद फिर मनोज पांडे को ही। हमारे साथ दादाजी बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? तो क्या आप वर्तमान विधायक संतुष्ट हैं? क्या परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, कार्य हुआ है उनके कार्यक्रम में। दादा क्या नाम है? क्या आप परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं? कार्य हुआ है उनके कार्यक्रम में। क्या नाम है? क्या आप परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं? तो नहीं चला रहे हमारे लोगों को कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। हमारे साथ युवा बैठे हैं, क्या राय हो? जी बताइए। आशीष कुमार अलावल से, बताइए क्या पूछ रहे हैं? क्या इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं ऊंचा विधानसभा? नहीं, ऊंचा हार तो जैसा है स्थिर है, प्रदेश का परिवर्तन। प्रदेश में आप मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? वही नवयुवा चेहरा अखिलेश यादव, इसलिए नवयुवाओं के लिए कुछ हुआ नहीं, पूरे प्रदेश में त्राही मची हुई है, तो इससे बेहतर है केवल। मौजूदा सरकार में भी भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को नौकरियां भी मिली। कहाँ नौकरी मिली? एक नौकरी कोई बता दे, सारे पेपर लीक हुए, कोई भी नौकरी अभी तक नहीं मिली। जिसका पेपर करवाया उसका लीक हुई। सरकार का दावा है कि विकास किया है, सड़कें दी हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे गौरव ब्लॉक की सड़कें गिनवा दे, कितनी सड़कें दी हैं हम मान लेंगे, हम अपने ब्लॉक से चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, हमको मतलब अपने ब्लॉक में गिनवा दे, कोई 5 सड़कें 10 सड़कें गिनवा दे। विधायक हैं 200 250 सड़कें गिनवा सकते हैं, हर गांव में 200 सड़कें गिनवा रहे हैं।
और कोई ऐसा गाँव नहीं बाकी जहाँ न जाते हो, जहाँ सड़कें न बनवाई हो। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने दावा किया है कि हमारे शासनकाल में विकास की नदियाँ बही। केवल दावे, भाजपा सरकार में केवल दावा ही मेन होता है, काम कुछ नहीं, केवल दावा रहता है बस। दावा दावा करने से कोई, मैं पब्लिक अगर दावा बताए तब तो ठीक है, लेकिन केवल दावा करने से कोई मतलब थोड़ी है, पब्लिक जो बताए वो सही है। हमारे साथ के युवा होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये आप यही चाह रहे हैं कि इस बार तो जहाँ तक देखने से लग रहा है लोग वर्तमान विधायक से संतुष्ट और वो उन्हीं विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं। आर एक्सप्रेस के लिए शिवम कुमार।